मैसूर के टाइगर के नाम से प्रसिद्ध टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ युद्धों में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। टीपू सुल्तान को इतिहास न केवल एक योग्य शासक और योद्धा के तौर पर देखता है, बल्कि वह एक विद्वान भी थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंग्स टू नो में। दोस्तों, आज मैं आपको टीपू सुल्तान के जीवन व उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताऊंगा तथा उनके प्रति लोगों की जो भावना है कि वह एक कट्टर मुसलमान और हिंदुओं के अत्याचारी थे, इससे भी अवगत कराऊंगा। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी में कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था। इनके पिता हैदर अली मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे और माता का नाम फखरुन्निसा था। टीपू के पिता मैसूर साम्राज्य के एक सामान्य सैनिक होने के बावजूद अपनी ताकत के बल पर 1761 में मैसूर के शासक बने। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हैदर अली का देहावसान होना एवं टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक होना मैसूर की एक प्रमुख घटना मानी जाती है। टीपू सुल्तान के आगमन के साथ ही अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति पर जबरदस्त धक्का लगा। जहां एक ओर ईस्ट इंडिया कंपनी नवनिर्मित ब्रिटिश साम्राज्य के लिए प्रयत्न कर रही थी और दूसरी ओर टीपू सुल्तान अपनी वीरता एवं कूटनीतिकता के बल पर दृढ़ संकल्प लिए खड़ा था। 18वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान एक महान शासक था जिसने अंग्रेजों को भारत से निकालने का प्रयत्न किया। अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के पश्चात 1782 में टीपू सुल्तान ने मैसूर की गद्दी को संभाला। अंग्रेज टीपू सुल्तान से काफी भयभीत रहते थे। टीपू सुल्तान की शक्ल में अंग्रेजों को नेपोलियन की तस्वीर दिखाई पड़ती थी। वह अनेक भाषाओं के ज्ञानी थे और अपने पिता के समय में ही उन्होंने प्रशासनिक, सैनिक तथा युद्ध विद्या लेना शुरू कर दी थी। दोस्तों, टीपू सुल्तान को मैसूर के टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने टाइगर चिन्ह अपने शासक के दौरान प्रतीक के रूप में अपनाया था। इतिहासकारों के अनुसार एक बार टीपू सुल्तान अपने फ्रांसीसी मित्र के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे, तभी एक बाघ उनके सामने आ गया और उस समय टीपू सुल्तान की बंदूक काम नहीं कर पाई और बाघ ने उनके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन उन्होंने बिना डरे उसका सामना किया और फिर से बंदूक को लोड कर बाघ को मार गिराया। तब से उनके पिता ने उनको मैसूर का टाइगर का खिताब दिया था। टीपू सुल्तान कहा करते थे, शेर के जीवन का एक दिन सियार के 100 साल के जीवन से बेहतर होता है। टीपू सुल्तान को विज्ञान, चिकित्सा, संगीत, ज्योतिष एवं इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन धर्मशास्त्र एवं सूफीवाद उनके पसंदीदा विषय थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उन्होंने 4 शादियां की थी जिनसे उनको 12 बच्चे हुए थे। टीपू सुल्तान ने 18 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। टीपू सुल्तान की तलवार का वजन 7 किलो 400 ग्राम था, जिसकी कीमत आज के समय में 21 करोड़ रुपए है। टीपू सुल्तान दुनिया के पहले रॉकेट आविष्कारक थे। ये रॉकेट आज भी लंदन के म्यूजियम में रखी है, जिसको अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। पालक्काड़ किला आज भी टीपू का किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1766 ईस्वी में किया गया था तथा अब यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित है। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बना और इस समय टीपू सुल्तान अंग्रेजों का कट्टर शत्रु था, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए निजामों से संधि कर ली और उधर टीपू ने फ्रांसीसियों से मित्रता का हाथ बढ़ाया ताकि दक्षिण भारत में अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। कार्नवालिस जानता था कि टीपू के साथ उसका युद्ध होना तय है, इसलिए उसने निजाम व मराठों से हाथ मिलाकर अपनी स्थिति को मजबूत किया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके बाद कार्नवालिस ने टीपू के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इस तरह तृतीय मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध 2 वर्षों तक चला था। प्रारंभ में अंग्रेज असफल रहे थे, लेकिन अंत में जीत अंग्रेजों की हुई थी। मार्च 1792 ईस्वी में श्री रंगपट्टनम की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। टीपू ने अपने राज्य का आधा हिस्सा और 30 लाख पौंड संयुक्त मोर्चे को दंड स्वरूप दिए तथा कुछ हिस्सा निजाम को और कुछ हिस्सा मराठों को दिया। टीपू सुल्तान की श्री रंगपट्टनम की संधि से काफी दुखी थे और अपनी बदनामी के कारण अंग्रेजों को पराजित कर दूर करना चाहते थे। इसके लिए टीपू ने फ्रांसीसियों को अपने राज्य में विभिन्न तरह की सुविधाएं प्रदान की और अफसर नियुक्त किए। कुछ फ्रांसीसियों ने 1798 में अंग्रेजों के विरुद्ध टीपू की सहायता की। इसी समय लॉर्ड बेलेजली को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। टीपू को हराने के लिए लॉर्ड बेलेजली ने मराठों एवं निजामों के साथ गठबंधन की चेष्टा की, पर निजामों को मिलाने में वह सफल रहा, लेकिन मराठों ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। 1798 ईस्वी में निजामों के साथ हुई सहायक संधि में घोषणा की कि जीते हुए हिस्सों में कुछ हिस्सा मराठों को भी दिया जाएगा। पूर्ण तैयारी के साथ बेलेजली ने मैसूर पर आक्रमण किया और चतुर्थ मैसूर युद्ध आरंभ हुआ
और टीपू सुल्तान वीरता के साथ आखिर तक युद्ध करते हुए 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में कर्नाटक के श्री रंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की बहुत दुर्दशा से अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद अंग्रेज उनकी तलवार को अपने साथ ले गए। इतिहास में टीपू सुल्तान को एक कट्टर मुसलमान का दर्जा दिया जाता है। टीपू सुल्तान की कठोरता की वजह से उन्हें भारत के कई क्षेत्रों में एक अत्याचारी शासक भी कहा जाता है। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी और लेखक विलियम लोगान ने अपनी किताब मालाबार मैनुअल में लिखा है कि टीपू सुल्तान ने अपने 30,000 सैनिकों के साथ तबाही मचाई थी। टीपू सुल्तान हाथी पर सवार होकर व उसके पीछे उसकी विशाल सेना चल रही थी। पुरुषों एवं महिलाओं को सरेआम फांसी पर लटकाया तथा उन्होंने बच्चों को भी नहीं बख्शा, उनको भी फांसी पर लटकाया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का समर्थन लेने के लिए हिंदुओं के मंदिरों में काफी दान दिए, जिनमें मेलकोट के मंदिर में सोने व चांदी के बर्तन, कलाले के लक्ष्मीकांत मंदिर को 4 रजत कप। 1782 से लेकर 1799 के बीच टीपू सुल्तान ने अपनी जागीर के मंदिरों को 34 दान के सनद जारी किए थे। जनजुंदेश्वर मंदिर को टीपू ने हरा शिवलिंग भेंट किया। दोस्तों, मान्यता है कि टीपू सुल्तान के द्वारा किए गए ये दान हिंदू शासकों के साथ गठबंधन बनाने का एक तरीका था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अपने विचारों को भी कमेंट में लिखना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।